बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के चैनल अंकित विटरेचर। मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं अंकित विटरेचर यूट्यूब चैनल का। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूनिवर्सिटी जो गेस्ट पेपर है MIL हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट जिनका सेशन 2022 और जिनका जो है 100 मार्क्स का MIL हिंदी है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए गाइस आज के वीडियो को स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम मिल सके। गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधम का विलोम है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी उत्तम, अधम का उत्तम। नेक्स्ट है आर्द्र का विपथार्थिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी शुष्क, आस्क का आर्द्र का शुष्क। नेक्स्ट है पुरुष का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी स्त्री, पुरुष का स्त्री। नेक्स्ट है रात का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी दिन, रात का दिन। नेक्स्ट है सुमति का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी कुमति, सुमति का कुमति। नेक्स्ट है अनुराग का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी विराग, अनुराग का विराग। नेक्स्ट है अर्थ का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी इति, अर्थ का इति। नेक्स्ट है कृष्ण का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी जंगम, थावर का जंगम। नेक्स्ट है तलवार शब्द का विलोम शब्द है, इसको करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी सहायक, तलवार का सहायक। नेक्स्ट है नर का विपथार्थिक शब्द है, इसको करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी नारी, नर का नारी। नेक्स्ट है स्तुति का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी निंदा, स्तुति का निंदा। नेक्स्ट है संध्या का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी प्रातः। नेक्स्ट है आलिंगन का विलोम शब्द है, आलिंगन का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी विरह, आलिंगन का विरह। नेक्स्ट है अंबर का विपथार्थिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी अवनी, अंबर का अवनी। नेक्स्ट है हास्य का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी रुदन, हास्य का रुदन। नेक्स्ट है नया का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी पुराना, नया का पुराना। नेक्स्ट है जन्म का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर में ए यानी मृत्यु, जन्म का मृत्यु। नेक्स्ट है आय का विपथार्थिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी आय का व्यय। नेक्स्ट है खरा का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी खरा का मधुर। नेक्स्ट है लाभ का विपथार्थिक शब्द है, लाभ का विपथार्थिक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी लाभ का हानि, हानि सी। नेक्स्ट है आशा का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी निराशा, आशा का निराशा। नेक्स्ट है पुरस्कार का विपथार्थिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी दंड, पुरस्कार का दंड। नेक्स्ट है उन्नति का विलोम है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी औन्नति, उन्नति का औन्नति। नेक्स्ट है बाट का विपथार्थिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी सूखा, बाट का सूखा। नेक्स्ट है सभ्य का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी असभ्य, सभ्य का असभ्य। नेक्स्ट है दोष का विपथार्थिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी दोष का गुण, दोष का गुण। नेक्स्ट है निश्चय का विलोम शब्द है, निश्चय का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी अनिश्चय, निश्चय का अनिश्चय। नेक्स्ट है अत्याध्यात्मिक का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी भौतिक, अत्याध्यात्मिक का भौतिक। नेक्स्ट है श्रोता का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी वक्ता, श्रोता का वक्ता। नेक्स्ट है मौखिक का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी लिखित, मौखिक का लिखित, लिखित। नेक्स्ट है अनाथ का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी सनाथ, अनाथ का सनाथ। नेक्स्ट है सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी यानी विमुख, सम्मुख का विमुख। नेक्स्ट है भूषण का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी दूषण, भूषण का दूषण। नेक्स्ट है मृदुल का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी रुच, मृदुल का रुच। नेक्स्ट है सन्यासी का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी गृहस्थ, सन्यासी का गृहस्थ। नेक्स्ट है स्वकिया का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी प्रक्रिया। नेक्स्ट है उपमान का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी उपमेय। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी स्थूल,
सॉरी गाइज, सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल। नेक्स्ट है ब्रह्मा का व्युत्पत्तिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी जीव, ब्रह्मा का जीव। नेक्स्ट है मुख का व्युत्पत्तिक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी वाचाल, वाचाल। नेक्स्ट है सही का विलोम शब्द है, चुनिए मानव का, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए यानी मानव का दानव। नेक्स्ट है विपत्ति का विलोम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी यानी विपत्ति का सम्मति, संपत्ति। नेक्स्ट है अनुराग का विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी विराग, अनुराग का विराग। नेक्स्ट है शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत का विलोम शब्द, इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी यानी नस्वर। चलिए गाइज आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज।